अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा रिएक्शन इंडियन न्यू मूवी कंगवा सीजल टीजर पर है और इस मूवी के जो से डायरेक्टर हैं वो सीवा हैं और इस मूवी के जो से मेन एक्ट्रेस काम कर रहे हैं वो सूर्या और बॉबी देओल मेन एक्ट्रेस काम कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 स्टार्ट। यार बहुत ही मजा आया। इसको दोबारा इतना चला के देखे इसके अंदर मुझे सीधा समझ में नहीं आ रहा इसका क्या सीन है, लेकिन है बड़ा मजे की वीडियो है। सूर्या जंगल टाइप लग रहा है सारा, ये समुद्र और जंगल है ना, लेकिन पीता भी जंगल में होते जाते जब आप पीता भी जंगल में। बहुत ही कमाल का इन्होंने टीजर बनाया हुआ है खंगुआ का। मुझे मीम तो नहीं पता इसका एक्चुअली मीम क्या है। अगर हम बात करें ना इस बार बॉबी देओल की और सूर्या का, तो हमें पता है कि बहुत ही मतलब के फाइन एक्टर हैं और बॉबी देओल की तो ये अपना एनिमल मूवी के बाद से जो इनका बहुत ही हिसाब से कह लगे बहुत ही ज्यादा इनका नाम और बस बहुत अच्छा इनका कम बैक है, तो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। वो लुक भी तकरीबन उनके वही है एनिमल जैसे, बड़े बड़े बाल और दाढ़ी वैसे बड़ी, और सूर्या की दफा जो लुक जो है उन्होंने डिफरेंट बनाई हुई है और लंबे बाल और जो इनका सीन शेर वाला बहुत ही कमाल का सीन है। और अगर दूसरे सीन की बात करें उधर बॉबी देओल की, तो समुद्र पे आ रहे हैं, थिंक ये दो कबीले हैं और एक शायद आप लोगों को याद हो कि अफ्रीका में आज भी लोग इसी तरह से वो अपने कपड़े पहन कर इसी तरह से शिकार करते हैं, वो गले में वो क्या डांस वगैरह पहन कर कुछ इस तरह के सीन होते हैं। आज भी अफ्रीका के लोग इसी तरह से अपना रहन सहन और अपनी जिंदगी का जो तासुरात है जिंदगी वो इसी तरह से गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये दो कबीले हैं, जो दूसरा कबीला है उसका बॉबी देओल का आई थिंक वो अपना समुद्री कबीला है और इनका जो सा है वो एज अ अपना क्या कहें जंगली कबीला कह रहे हैं। और दोनों में कोई आई थिंक ना वो कोई दुश्मनी है जो साफ नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग उन्होंने मारकर वहां पे जमीन पर फेंक रहे हैं, तो बहुत ही मतलब इन्होंने यूनिक सी चीज बनाई है। अगर बात करें इनके ग्राफिक्स की और सीन्स की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज हैं, और जैसे क्रोकोडाइल्स की आंख खुलती है वो डबल लेंस शेप आती है, बहुत ही मतलब इन्होंने मजे की बनाई है। इन्होंने भी इसमें अनाउंसमेंट नहीं की हुई है कि मूवी का ट्रेलर कब आएगा या मूवी रिलीज कब हो रही है, लेकिन मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हम देख करके यार किस तरह से इन्होंने सफर बहुत हट के और बहुत यूनिक काम किया हुआ है। फाइट सीन्स तो टू मच, बहुत ही मतलब अच्छे इन्होंने फाइट सीन्स बनाए हुए, इसमें आपको बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिलेगी। तो अगर हम इंतजार करेंगे इसके नेक्स्ट ट्रेजर का या ट्रेलर का जो भी रिलीज करते हैं, तो ट्रेलर में और कुछ ज्यादा इसकी डिटेल के साथ बात कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको हम आपको बता सकेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें ट्रेजर देखकर कुछ ज्यादा समझ नहीं आ, आप लोगों को ज्यादा समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी बता सकते हैं और अगर नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट ट्रेलर पर। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।